नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम इसी मंथ में है या आने वाले मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और नए सिलेबस पर आधारित है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, जब पिछली बैच का यानी कि जब पिछले मंथ एग्ज़ाम हुआ था ट्रिपल सी का, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का अच्छा पेपर भी गया था, एग्ज़ाम भी अच्छा गया था और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट पास भी हो गए हैं। उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि जो सर आपने बताया था उसमें से क्वेश्चन भी बहुत सारे आए थे और आपने जो बताया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे और अच्छे ग्रेड से मैं पास भी हो गया हूँ। तो आई होप आप लोगों को भी ऐसे भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँ जिससे आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो आप लोग डेली हमारी क्लास अटेंड करिए जो कि 6:30 बजे के बाद अपलोड हो जाती है 7 बजे तक। तो आप डेली क्लास अटेंड करेंगे तो आई होप आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है WW का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, ये WW आई होप आपको मालूम ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। WW का फुल नेम पहले मैं बता दूं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नंबर एक है बिल गेट्स, नंबर बी है मार्क जुकरबर्ग, सी नंबर टीम बर्नर्स ली, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, टीम बर्नर्स ली, ठीक है। तो आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नंबर एक है रिमोट डेवलप सर्विस, बी नंबर रिमोट डेस्कटॉप सर्वर और सी नंबर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। RDS का जो फुल नेम होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फुल नेम पर, तो आप इसे रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है RTGS कब लॉन्च हुआ, यानी कि जो RTGS था कब से मतलब इसकी स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है। तो नंबर एक है 2006, बी नंबर 2014, सी नंबर 2007, डी नंबर 2004। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2004 में। जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनको RTGS NFT के बारे में मालूम होगा, 2004 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, ठीक है, अक्टूबर मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, VLN में V का मतलब क्या होता है। तो VLN अब में लाइन का मतलब आप लोगों को मालूम ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो नंबर एक है वेरीफाई, नंबर बी है अवेलेबल, सी नंबर है वर्चुअल और डी नंबर है वर्टिकल। तो इसको जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, मैं 5 सेकेंड रुका हूँ आप लोगों के लिए। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, वर्चुअल, ठीक है, सी नंबर करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW का पूर्ण रूप क्या होता है। अभी आप लोगों दोस्तों ने क्वेश्चन पढ़ा था WW, तो यानी कि 3 बार W था। तो उसका फुल नेम मैंने बताया था वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऊपर क्वेश्चन था कि उसका आविष्कार किसने किया था। अब यहाँ पर आते हैं कि 4 W जो होते हैं उनका फुल नेम क्या होता है, जो कि आपकी ये इंटरनेट से ही संबंधित है, ठीक है। तो नंबर एक है वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट, बी नंबर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब और सी नंबर है वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड और डी नंबर है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हाई लेवल के कोर्सेज में पूछा जाता है। ट्रिपल सी से ऊपर का जो 1 साल का कोर्स होता है वो लेवल, जब मैंने पिछले साल इसको डन किया था तो उसमें मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था वो लेवल में, ठीक है, कि WWW का पूर्ण रूप क्या होता है। तो फिलहाल मैंने तो पढ़ लिया था, मुझे एक बार क्वेश्चन मिल गया था तो मैंने तो सही कर दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, डी नंबर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब वार्म, ठीक है, लास्ट में वार्म लग गया है, ठीक है, तो WW में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि लिब्रे ऑफिस ट्रिपल सी के एग्जाम में एक नया सिलेबस ऐड किया गया है जिससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जितना भी हो सके आप लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा जिससे आपको हेल्प मिल सके। लिब्रे ऑफिस के लिए मैंने भी स्पेशल क्लासेस बनाई हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो एक नंबर है कंट्रोल प्लस एस, बी नंबर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस और सी नंबर है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस और डी नंबर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
डी नंबर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पी ओ पी थ्री का पोर्ट नंबर है। ये पी ओ पी थ्री आपका, आप लोगों ने मेल के बारे में मैंने बताया था, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है, एक नंबर है 150, बी नंबर है 45 और सी नंबर है 25, डी नंबर है 110। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 110 होते हैं, ठीक है, पी ओ पी थ्री पोर्ट नंबर। मेल भेजने के लिए एस एम टी पी, पी ओ पी, ये सब हमारे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप क्या होता है। जो आप लोगों का एनालॉग कंप्यूटर होता है और डिजिटल, जिन लोगों के स्टूडेंट ने जनरेशन या कंप्यूटर की जो जनरेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ, जिन लोगों ने पढ़ी है उनको मालूम होगा इसके बारे में। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो मिक्स होता है वो क्या कहलाता है। तो नंबर एक है पर्सनल कंप्यूटर, बी नंबर है माइक्रो कंप्यूटर, सी नंबर सुपर कंप्यूटर और डी नंबर हाइब्रिड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल का जो कम्युनिकेशन यानी मिक्सअप होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो नंबर एक है कंप्यूटर से इंटरनेट से जोड़ना, बी नंबर इंटरनेट डेटा को इंटरनेट पर सिक्योर करना अपने डेटा को, और बी सी नंबर है वायर कनेक्शन, डी नंबर है से कोई नहीं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, अपने डेटा को इंटरनेट पर सिक्योर करना, कोई भी आपका डेटा हो, ठीक है, तो उसे आप सिक्योरली यानी कि सिक्योरिटी सुरक्षित रखना चाहते तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन मैन और वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था। लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इन सब का जो प्रयोग है किस पीढ़ी से स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथी पीढ़ी से हुआ था, ठीक है, चौथी पीढ़ी से ये सब हमारे नेटवर्क यूज होने लगे, लाइन मैन वैन, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारी को बैंक मित्र कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, फाल्स हो जाएगा, क्योंकि बैंक में जो कर्मचारी उनको बैंक मित्र नहीं कहा जाता, फाल्स हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को बताना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP/IP में फोर लेयर होते हैं। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ट्रू, ठीक है, TCP/IP ध्यान देना है, ठीक है, TCP/IP में चार लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग होता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दो तीन वीडियो पहले बताया था, वहाँ पर ऑप्शन वाइज थे कि ट्विटर होता है, तो इसमें था माइक्रो ब्लॉगिंग या सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रू फाल्स में भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड और ट्रंक, ठीक है, फंक्शन का कार्य समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स, दोनों का समान वर्क नहीं होता, दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का निर्माण जैक किल्बी ने किया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किसने किया या किसके द्वारा किया गया, ठीक है, तो वहाँ पर आप राइट आंसर क्या सिलेक्ट करेंगे, जैक किल्बी। हो सकता है क्वेश्चन आपका मल्टीपल में आ जाए, ठीक है, ये ट्रू फॉल्स की जगह मल्टीपल हो सकता है, तो आप जैक किल्बी सिलेक्ट करिएगा। हो सकता है कि आ जाए कि जैक किल्बी ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया, तो आप वहाँ पर आईसी सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और भी क्वेश्चन ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर विजिट नहीं किए हैं तो जा सकते हैं और वहाँ पर आप पूरी सारी वीडियो देख सकते हैं। आप रेडी रहिए, 7 बजे मैं क्लासेस मेरी मिल जाएंगी आपको। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।